हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल डीआरएक्स मेड। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एलेक्स सिरप के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा इसका प्राइस, इसके यूजेस, कुछ कॉमन साइड इफेक्ट, इसको इस्तेमाल कैसे करना है ये भी बताऊंगा, और लास्ट में आपको बताऊंगा कुछ सेफ्टी एडवाइस। उससे पहले क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को एंड तक देखना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, चलते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ एलेक्स सिरप का प्राइस कितना है। दोस्तों, ये हमारी लगभग 119 रुपए की है, जिसकी एक बोतल में हमारी 100 ml सिरप है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ एलेक्स सिरप के यूजेस। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ एलेक्स सिरप का यूजेस क्या है। दोस्तों, जो हमारा एलेक्स सिरप है वो कॉमनली यूज़ किया जाता है हमारे ड्राई कफ में। अगर किसी को खांसी हो रही हो और उस समय उसको ड्राई कफ हो रहा हो, तो उसको ठीक करने में हमारा एलेक्स सिरप डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। और तो और दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को चेस्ट कंजेशन हो रहा हो, मतलब उसे कफ की वजह से सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही हो, तो उस समय भी डॉक्टर द्वारा हमारा एलेक्स सिरप प्रिस्क्राइब किया जाता है। और तो और दोस्तों, ये भी देखा गया है अगर किसी व्यक्ति को कॉमन कोल्ड हो गया हो, तो उस समय भी डॉक्टर द्वारा हमारा एलेक्स सिरप प्रिस्क्राइब किया जाता है। और अगर किसी व्यक्ति को फ्लू भी हो गया हो या एलर्जी हो रही हो उसके गले में और कफ आ रहा हो, तो उस समय भी डॉक्टर द्वारा हमारा एलेक्स सिरप प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो दोस्तों, जो ओवरऑल देखा गया है जो हमारा एलेक्स सिरप का, ये बेसिकली हमारा ड्राई कफ में यूज़ किया जाता है, और अगर किसी को कंजेशन हो रही हो तो उस समय भी यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ एलेक्स सिरप लेने के बाद कुछ कॉमन साइड इफेक्ट। दोस्तों, जो कुछ कॉमन साइड इफेक्ट देखे गए हैं, जैसे कि वॉमिटिंग आती है कभी कभार, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख कम लगती है, हेडेक मतलब सर भी दर्द होता है, और तो नोलचा भी देखा गया है। तो दोस्तों, अगर आपको इससे ज़्यादा भी कुछ साइड इफ़ेक्ट दिखे, तो फर्दर आप डॉक्टर को कंसल्ट करें और डॉक्टर को बताओ, जिससे डॉक्टर आपको अच्छे से सजेस्ट कर सकता है दूसरी मेडिसिन। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ इसको इस्तेमाल कैसे करना है हमारा एलेक्स सिरप। जैसे कि दोस्तों, मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, कोई भी मेडिसिन या मेडिसिन से रिलेटेड कुछ भी हो, अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट की एडवाइस से ही आपको लेना है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ एलेक्स सिरप आपको कैसे इस्तेमाल करना है। दोस्तों, जो हमारा एलेक्स सिरप है, आप दिन में 2 टाइम यूज़ कर सकते हो, वो भी डॉक्टर की एडवाइस से। यह क्या होगा, आपको खाना खाने के बाद आपको यूज़ करोगे तो ज़्यादा ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और हो सके तो डॉक्टर की एडवाइस से ही आपको यूज़ करना है, और ये इसको खाना खाने के बाद यूज़ करना है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका वर्क क्या है हमारा एलेक्स सिरप का। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ एलेक्स सिरप वर्क कैसे करता है। बेसिकली दोस्तों, एलेक्स सिरप में हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ 3 मेडिसिन है, जिसके अंदर हमारा फिनाइल एफिन है, क्लोरपेनिरामाइन है एंड डेक्सोमेथोर्फिन है। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि इसका क्या यूजेस है। दोस्तों, जो फिनाइल एफिन है, ये क्या करता है, डी कंजेस्टेंट कर देता है, जिसके वजह से हमारा जो कंजेशन और स्टेफनेस होती है उसमें बहुत ही राहत मिलता है हमारे नोज को। और तो दोस्तों, जो क्लोरपेनिरामाइन है, ये हमारा एक टाइप का एंटी एलर्जिक है, जो कि हमारे जो सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि रनी नोज हो गया, आँखें से पानी निकलना, स्नीजिंग आ रही है, तो उसको रोकने में बहुत ही सहायता करता है। और तो और दोस्तों, जो हमारा डेक्सामेथासोन है, ये हमारा एक कफ सप्रेसेंट है, जो कि हमारे कफ को रिड्यूस करता है बाहर निकालने में हमारे ब्रेन। तो दोस्तों, यही है इसका कि ये कैसे वर्क करता है। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ सेफ्टी एडवाइस एलेक्स सिरप लेने से पहले। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ सेफ्टी एडवाइस। दोस्तों, आपको इसको लगभग 1 हफ्ते से
10 दिन तक यूज़ करना है। अगर आपको उससे राहत नहीं मिल रही तो डॉक्टर को बताओ कि मुझे इस मेडिसिन से, इस सिरप से राहत नहीं मिल रही। और तो और दोस्तों, जो प्रेग्नेंट लेडी है, कृपया करके डॉक्टर के एडवाइस से ही ये मेडिसिन लें। और दोस्तों, जो ब्रेस्ट फीडिंग लेडी है, उनको भी डॉक्टर के एडवाइस से ही मेडिसिन लेनी चाहिए। और ड्राइविंग करते टाइम पे ये अनसेफ है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी आपको लेने के बाद थोड़ी नींद भी आ सकती है, तो ड्राइविंग करते टाइम इसे ना लें। और दोस्तों, जो किडनी वाले हैं और लीवर वाले हैं, उनको भी कृपया करके डॉक्टर के एडवाइस से ही मेडिसिन लेनी है।